जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में से जो चारों पार्ट हैं बिल्कुल उनको सॉल्व करने का मेथड सेम है। तो एक पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, उसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ करना होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो हम अपलोड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारणिक का मान, इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं, इस सारणिक को मान लेते हैं a, और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू यानी मॉड a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पहला एलिमेंट लेंगे 3। तो जब पहला एलिमेंट ले लेंगे ना, तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे और शेष जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे, 0, -1, -5, 0। और इसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट को ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट है -1, और फिर -1 वाले कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। तो फिर ये 0, -1, 3, 0, और फिर इसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट को लेंगे -2, और फिर इसके बाद जो है -2 वाले कॉलम और उसके रो को छोड़ देंगे। फिर यहाँ बचेगा 0, 0, 3, -5, तो ये 0, 0, 3, -5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा देखे 3, और इसको सॉल्व करते हैं, 0 × 0, 0 हो जाएगा, और -5 × -1 ये हो जाएगा 5, और ये -1। जब मिडिल वाला प्रोसेस करते हैं ना, तो मिडिल वाला प्रोसेस हमेशा उल्टा होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर मुख्य विकर्ण जो होगा 3 और -1 होगा, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का -1 में, -3 हो जाएगा, -0 का 0 में कर देंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं -2 पे, फिर 0 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, और माइनस ये भी हो गया 0। अब देखें फिर क्या मिल रहा है, ये 3 और इंटू -5, तो -15 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें ये -3 है, और -3 में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 हो जाएगा, और इसके बाद तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा मॉड a इजकल टू 3 - 15, यानी -12 हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। इसी तरह से इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही a की वैल्यू आपको दी गई है और इसका मॉड हमको फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने का मेथड आपको मालूम ही है। चलिए 1 लेते हैं, तो 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 1 - 3, और ये हो जाएगा 4 - 9। अब इसके बाद हम मिडिल पॉइंट को लेते हैं, 1 को लेते हैं, और फिर इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 - 3, 5 - 9, 2 - 3 हो गया, और 5 - 9 हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट वाले पे आते हैं, -2 है लास्ट में, तो -2 हो गया,
अब माइनस टू वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 1, 5, 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बस सॉल्व करते समय हमेशा ये सावधानी बरतनी होगी कि मिडिल पार्ट का जब प्रोसेस करेंगे तो वो अपोजिट प्रोसेस होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 और यहाँ 1 का माइनस 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस 4 का माइनस 3 में कर देंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो गया प्लस 1, और अब इसमें पहले 5 का 3 माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू माइनस 9 यानी माइनस 18 हो जाएगा, तो ये प्लस 18 हो जाएगा, और फिर ये हो गया माइनस 2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 4 8 हो जाएगा, और माइनस हो गया आपका 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखें 18 माइनस 15 ये भी 3 हो जाएगा, और फिर ये माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 6 हुआ, और माइनस 2 3 जा 6 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यक्ष की वैल्यू ज्ञात कर रही है, और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें भी दो पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा वैसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट आप कीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा, और माइनस 5 4 20 हो जाएगा इजकल टू, आप फिर 2x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 2 माइनस 20 माइनस 18 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 24 हो गया। माइनस 24 को अपोजिट साइड में लाते हैं तो ये हो गया 24 माइनस 18 इजकल टू 2x स्क्वायर। तो 24 और माइनस 18 आप कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 इजकल टू 2x स्क्वायर, और यहाँ से 2x स्क्वायर इजकल टू 6, एक्स स्क्वायर इजकल टू 6/2, 2 से इसको कट कर दीजिए 3 हो जाएगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इजकल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ से यक्ष की जो वैल्यू आपको मिली ये प्लस माइनस 3 मिले। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, और क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि इतना बराबर इतना तो यक्ष बराबर कितना होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप बुक खोल करके चारों ऑप्शन दीजिएगा, बोर्ड पे चारों ऑप्शन हमने लिखा नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 18 टू जा 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए 6 6 36 और माइनस 18 टू जा हो जाएगा 36, तो फिर 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 36 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 36 हो जाएगा, अब 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो गई। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 4.1 है
ये 4.1 कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि ये पूरी प्रश्नावली आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।